Hey everyone i welcome you all in my channel that is science side my name is charu and today we will discuss the metal and non metal the difference between metal and non metal that is uh, uh, that comes under the various competitive exams and also it is important for the 10th class because uh, it is the third chapter of the 10th class so uh, let us discuss the metals and non metals first we have a pictures of some metals and non-metals. gold is there in the first one, and the silver is there. gold and silver these are used by the jewelers because jewelry is made of it. and copper, mercury is there. copper which is uh, used to make the vessels and uh, mercury which is uh, आपने देखा होगा किसी-किसी थर्मामीटर के अंदर वो जो पारा जिसको आप बोलते हो क्लीनिकल थर्मामीटर या दूसरे जो होते हैं mercury is present in that और ये भी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है उसके बाद एलुमिनियम इसको आपने फॉइल्स की फॉर्म में देखा होगा घर में जिंक आपने देखा है ठीक है जिंक के ग्रान्यूल्स जिनसे हम रिएक्शंस करवाते हैं तो ये लैब में आपने देखा होगा जिंक फिर उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन तो हर जगह प्रेजेंट है ठीक है फॉस्फोरस जिसको लैब में देखा होगा या सल्फर लैब में देखा होगा आपने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है ये भी नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये गैसेस फॉर्म में नॉन मेटल्स हैं बाकी सब आप यहाँ देख रहे थे सॉलिड फॉर्म में आपके पास नॉन मेटल्स हैं और बीच में कई एक्सेप्शन होती हैं जो कि आपकी नॉन मेटल में भी हैं और मेटल्स में भी हैं सो अस डिस्कस आप यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें कोई हमसे पूछे कि कितनी टोटल मेटल्स हैं कितनी नॉन मेटल्स हैं तो पीरियोडिक टेबल से हम ज़रूर बता सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की जितनी है दैट आर मेटल्स ठीक है ये फर्स्ट वाली लाइन जिसको अल्कली मेटल हम बोलते हैं ये आपकी मेटल्स है ये सेकंड लाइन दिस इज़ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये आपकी क्या है मेटल्स हैं यहाँ पे ये डी ब्लॉक की ट्रांजिशन मेटल्स हैं कितनी सारी दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये आपकी सारी और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये येलो वाली सारी नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन उस तरफ मेंशन है हाइड्रोजन आप इधर भी लिख सकते हैं इट इज़ आल्सो नॉन मेटल तो कितनी सारी नॉन मेटल है जो कार्बन से स्टार्ट होते हुए आप यहाँ तक रेडॉन तक फिनिश करते हो कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम क्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडोन तो ये सारी क्या हैं बच्चे नॉन मेटल्स हैं ठीक है कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस। इस तरीके से आपको भी कुछ नॉन मेटल्स को लर्न कर लेना है अब मेटल्स इतनी सारी नहीं लर्न कर सकते हाँ अल्कली alkali, अल्कलाइन और डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज तो याद रख सकते हो अप टू जिंक जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये आ गई आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द प्रियोडिक टेबल ये ग्रीन वाले सीरीज मेटलॉइड है जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है मेटल भी नॉन मेटल भी तो अब देखते हैं हम डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल सबसे पहला है फिजिकल स्टेट कैसी है वो दिखने में कैसे हैं तो जितनी भी मेटल्स हैं आयरन है कॉपर है गोल्ड है सिल्वर है, है आप देखते हो कि सबकी सब सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं बट देयर इज़ द एक्सेप्शन यहाँ पर मरकरी आप देखते हो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में आपने देखी है कई बार थर्मामीटर टूट जाता है हमारा तो एक बार जैसे क्लिनिकल जो घर पर हम यूज़ करते हैं उनको यूज़ करा था तो वो टूट गया और उसमें से जो लिक्विड मरकरी बाहर निकली वो कितनी शाइनी पेरेंट्स की और कितनी अच्छी थी कि हाथ पे ले रहे थे हाथ पे तो वैसे नहीं लेते इट इज़ वेरी डेंजरस तो वो किस तरह से मतलब स्लिपरी जैसी थी एक्सेप्ट मर्करी इट इज़ अ लिक्विड ये लिक्विड है बाकी सब जो है वो सॉलिड है और अगर नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स जो आप कार्बन है देखा है ना कार्बन सब ने डायमंड सब ने देखा होगा ठीक है और ग्रेफाइट जो पेंसिल का लेड होता है वो सबने देखा है तो कार्बन सॉलिड देखा है सबने गैसेस में अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करके हटी हाँ, नाइट्रोजन आपकी गैस है तो एयर में कितनी सारी गैसेस है जो नॉन मेटल्स हैं लेकिन यहाँ पे भी एक है एक्सेप्शन दैट इज़ ब्रोमीन ब्रोमीन आपका लिक्विड नॉन मेटल है ये लिक्विड फॉर्म में है तो फिजिकल स्टेट में देखा जाए तो मेटल्स भी सॉलिड एक एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में आपकी सॉलिड भी है गैस भी है और ब्रोमीन आपका लिक्विड है वो एक्सेप्शन है ठीक है तीनों है इसमें अब अगर नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दीज आर द टू प्रॉपर्टीज़ इन विच अगर किसी मेटल और आ, की बात करें तो मेटल मेलेबिलिटी डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी शो करती है अब है क्या ये मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिल्वर और गोल्ड देखा होगा ठीक है ज्वेलर्स क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट्स में ताकि ज्वेलरी अच्छी बने जो भी गोल्ड के सेट बनने हैं चेन्स बननी है तो चेन्स बननी है तो इसका मतलब हम उसकी वायर्स बना रहे हैं तो वायर्स में बनाना दैट इज डक्टाइल है मेटल और शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब मेलेबल है मेटल तो मेटल जनरली मेलेबल और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी शो करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेटल्स याद रखनी है अगर मेटल्स की तरफ आए तो ना तो ये ही मेलेबल हैं ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है और ना ही ये डक्टाइल है दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें नहीं है। ठीक है ये हो गया व्हाट इज कंडक्टिविटी कि करंट को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं हीट को कंडक्ट कर रहे हैं अपने में से पास होने दे रहे हैं या नहीं तो मेटल जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करते हैं बहुत ईजिली आपने कॉपर वायर्स देखी होंगी आयरन आपने देखा होगा किस तरह से कंडक्टिविटी करता है हीट की या इलेक्ट्रिसिटी की तो मेटल जनरली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कंडक्टिविटी नहीं शो करती जैसे लेड और मर्करी ये कंडक्टिविटी नहीं शो करते जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टिविटी नहीं शो करते एक्सेप्शन इज देयर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ये क्यों कंडक्टर है क्योंकि इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चला आप वीडियो देख सकते हो एलोट्रॉप्स वाली मेरी ठीक है वहाँ पे मैंने सब डिस्कस किया है कैसी स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की क्यों इसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके नाउ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें मेल्टिंग कब शो करेगा बॉइलिंग कब शो करेगा इजिली कि नहीं तो मेटल्स अगर आप आयरन की रोड को भी गर्म करते हैं तो रेडिश होते होते बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसका मतलब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है आप उसको मेल्ट करना है तब भी आपको हर एक मेटल के लिए हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है तो जितनी भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन कुछ मेटल्स में एक्सेप्शन है वैन यू कीप द गैलियम एंड सीजियम इन योर पाम जब आप हथेली पे रखते हो गैलियम और सीजियम को तो रखते ही बॉडी की हीट से ही वो मेल्ट हो जाती हैं तो इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है लो सिर्फ इन दोनों का और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में आपका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मतलब कम है आप कम टेम्परेचर पे ही नॉन मेटल्स को मेल्ट कर सकते हो लेकिन एक्सेप्शन है आपने देखा है कि कार्बन का जो एलोड्रॉप है दैट इज़ डायमंड वो कितना ज़्यादा हार्ड है द हार्डेस्ट सब्सटांस नेचुरल सब्स्टांस तो जो डायमंड है उसके लिए हाई आपका टेम्परेचर है तो हाई हम बोलेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन किस में आ रही है डायमंड में बिकॉज इट इज़ अ नेचुरली हार्डेस्ट सबस्टांस है आपका नाउ लस्चरस वॉट इज़ लस्चरस प्रॉपर्टी किसी में शाइनी अपेरेंस या चमक देखते हैं ना हम तो किस में देखते हैं मेटल्स में ही तो देखते हैं और कौन सी मेटल्स गोल्ड और सिल्वर में तो हम बहुत ज़्यादा लश्चरस प्रॉपर्टी देखते हैं एल्यूमिनियम की फॉइल्स हमने घर में देखी हैं तो कितना ज़्यादा लश्चरस उनमें प्रॉपर्टी होती है चमक होती है शाइनी अपेयरेंस होता है सो दिस इज़ लस्चरस जितनी भी मेटल्स हैं ना सब लस्चरस है आयरन जो नए नए जैसे घर में हैंडल्स होते हैं है ना वैसे तो वो स्टील के बने हैं अलॉय से बना है क्योंकि उसमें मिक्सचर है आपका आयरन है क्रोमियम है निकल है सब कुछ है तो वो अलॉय। लेकिन बना तो आयरन से ही है ना मेनली देखा जाए तो उसमें कितना पॉइंट है? Hmm? Now, generally होती है. मतलब उनमें इतनी चमक नहीं होती लेकिन एक्सेप्शन है यहां भी एक्सेप्शन जो लर्न कर लेगा वो क्वेश्चन सब अटेम कर सकता है तो एक्सेप्शन ये यहाँ पे जो आयोडीन है वो इट इज लस् ठीक है आयोडीन इज लस्चरस उसमें चमक होती है आयोडीन में नाउ देयर देर इज अनादर प्रॉपर्टी दैट इज सोनरस साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं मेटल जिस भी मेटल को आप ब्लो कर लो बजा के देख लो तो उसमें से साउंड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आयरन हो उसकी पतली सी शीट हो आप जब भी उसको ब्लो करते हो तो आवाज आती है ना टन टना की तो वो जो है साउंड इफेक्ट वो तो सिर्फ मेटल्स ही शो कर सकती हैं नॉन मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं ठीक है ना देयर इज अनादर प्रॉपर्टी हार्डनेस तो मेटल्स हार्ड होती हैं सॉफ्ट होती हैं मेटल्स तो हार्ड होती हैं आपने आयरन को देखा है कॉपर को देखा है एल्यूमिनियम की तो शीट्स हैं वो सॉफ्ट हैं थोड़ी सी लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं फॉर एग्जाम्पल लीथियम सोडियम पोटाशियम ये इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको कट कर सकते हैं विद नाइफ दे कैन बी कट विद द उसके बाद अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉफ़्ट होती हैं लेकिन इसमें आ गया एक एक्सेप्शन मैंने कहा जर्नली हम ये देखते हैं मेटल्स तो सॉफ्ट है लेकिन डायमंड एक ऐसा है कि जिसमें हार्डेस्ट हम बोल सकते हैं और वो भी नेचुरली अक्रिंग हार्डनेस है नेचुरली ये हार्ड है नेचुरली सबसे ज़्यादा हार्डनेस वाली चीज़ होती है डायमंड ठीक है नाउ अगर ऑक्साइड्स की बात करें विच इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स कैसे हैं ऑक्साइड एक तो आ, आ आपको यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि यहाँ पे अगर लीथियम सोडियम पोटाशियम की बात करें ना और इनकी रिएक्शन की बात करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तभी ऑक्साइड्स बनेंगे तो इनकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है मतलब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होती है सो ऑल दीज मेटल्स ये जो तीन है ना दे आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल उनको बाहर तो रखते ही नहीं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देते क्योंकि ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आते ही जो ऑक्साइड बनाएंगे वो जो रिएक्शन होगी दैट इज वेरी वॉयलेंट एक्सोथर्मिक नेचर की होगी बहुत ज्यादा तो हम क्या करते हैं कैरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं इनको और अब जो ऑक्साइड बना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से चाहे कोई भी मेटल है जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक का ऑक्साइड है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वेन एवर आप जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप मैग्नीशियम की रिएक्शन ज़रूर देखते हैं मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर ऐसा रिएक्शन तब भी ऑक्साइड बनता है ये जो ऑक्साइड है इनकी नेचर कैसी है बेसिक नेचर है ठीक है जो सोडियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड है कैल्शियम यहाँ पे ऑक्साइड बना है सो ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर बेस की तरह बिहेव करते हैं बेसिक नेचर के हैं अगर नॉन मेटल्स की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ या आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करूँ तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं ठीक है कार्बोनिक एसिड का नाम सुनोगा होगा जो इसी से बनेगा नाइट्रिक एसिड का नाम सुनोगा होगा तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटल्स के ऑक्साइड ठीक है नाउ अब यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन आपने देखी हैं उनको रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यही पूछेंगे गोल्ड और सिल्वर आपके बहुत ज़्यादा मेलेबल और टाइल होते हैं आपके बेस्ट कंडक्टर हीट के सिल्वर और कॉपर होते हैं आपकी मेटल्स जो कि पुअर कंडक्टर हैं हीट की वैसे तो मेटल्स सब गुड कंडक्टर हैं लेकिन लेड और मर्करी आपकी पुअर कंडक्टर थी ठीक है मर्करी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड इन स्टेट है ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड इन स्टेट है आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्चरस प्रॉपर्टी शो करती है ये सब एक्सेप्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके पास एलोट्रॉप्स है वाट आर एलोट्रॉप्स वॉट इज एलोट्रॉपी वीडियो देखिए वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर नाओ डायमंड एक एलोट्रॉप ऐसा है जो हार्ड है क्योंकि जनरली हम मेटल्स में हार्डनेस देखते हैं लेकिन ये नॉन मेटल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा हार्ड hard है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब हार्डनेस है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई तो बनता है नाउ ग्रेफाइट इज अनादर नॉन मेटल जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा क्यों क्योंकि इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये भी तो कार्बन से बना है तो फिर ऐसा क्या है तो मैंने कहा एलोट्रॉपी की वीडियो देखिए एलोड्रॉप्स की वीडियो देखिए आपको रीज़न पता चल जाएगा नेक्स्ट लीथियम सोडियम पोटाशियम ऐसी तीनों मेटल्स हैं मेटल जनरली हार्ड होती हैं लेकिन ये तीनों कैसी हैं सॉफ्ट हैं द कैन बी कट विद द नाइफ तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बच्चे। दैट इज़ साइंस साइड एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सी यू